नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिसेन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला इकाई के सदस्यों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। 2800 रुपए ग्रेड पे की मांग को लेकर आंदोलनरत पटवारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इससे पूर्व रैली के रूप में सभी पटवारी तहसील कार्यालय में जमा हुए और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। प्रदेश पटवारी संघ की क्रमबद्ध आंदोलन के तहत हम लोगों ने अगस्त माह से सरकार को आवेदन निवेदन किया और 26 तारीख को संपूर्ण मध्य प्रदेश के पटवारियों ने भोपाल में इकट्ठा होकर तिरंगा यात्रा निकाली। उसके बाद भी सरकार को जू नहीं रहेंगी, इससे व्यथित होकर आज दिनांक 28/8/2023 से हम लोग अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल पर जा रहे हैं। और साथ ही आज हमने सभी समस्त रिकॉर्ड कानूनगो शाखा में जमा करवा दिए हैं और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। बिसेन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट। गोंदिया विधानसभा के निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल गोंदिया के श्रीराम अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित के घर के सामने किसानों ने कल से आंदोलन शुरू कर दिया है। चुटिया गोंदिया में खरीफ सीजन के धान किसानों से धान खरीदा गया। किसानों को अब तक 5,72,00,000 रुपए की किश्त का भुगतान नहीं मिलने से नाराज किसानों ने निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल के घर के सामने धरना शुरू किया और यह देखते हुए कि किसानों ने संकल्प लिया है कि जब तक खाते में पैसा नहीं आएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा, किसानों ने विधायक के घर के सामने धरना दिन और रात निकाल दिया है। आज किसानों ने कहा है कि वे अपने परिवार को लेकर प्रदर्शन करेंगे। साहब ने जो हमारा चुकारा रोक के रखा है वो जब तक चुकारा हम किसानों का नहीं आएंगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं, यही सोएंगे यही कहेंगे। और हम चाहते हैं कि कल हम पूरी हमारे फैमिली को भी लेके आएंगे, बाल बच्चे परिवार आएंगे यहीं मर जाएंगे किसान, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हमारा पैसा नहीं आएगा। हमारा ये विधान भवन है, हमारा हम अपने विधानसभा के सामने बैठे हुए हैं, हम कहीं अलग नहीं बैठे, विधानसभा के सामने बैठे हैं, हमारा चुना हुआ अधिकारी के घर के सामने बैठे हैं और हम अपने अधिकार का पैसा लेंगे तभी जाएंगे और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2 महीने से कम 3 महीना हो गया, ये रबी के फसल का चुकारा है रुका हुआ है जो कि पनन अधिकारी के पास आया हुआ है इंगड़े साहब के पास, वो हमारा चुकारा नहीं कर रहा है। उनकी क्या मिली भगत है सोसाइटी के साथ हमको नहीं पता, लेकिन हमको हमारे अधिकार का पैसा चाहिए। बिसेन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। राखी का त्यौहार सिर्फ एक दिन का होता है और भाई बहन की रक्षा के लिए राखी का पवित्र त्यौहार महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर गोंदिया जिले की महिला उत्थान समिति ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर इस साल जश्न मनाया। महिला उत्थान समिति ने गोंदिया जिला ट्रैफिक पुलिस में रक्षाबंधन का त्यौहार वैदिक रीति से मनाया और सभी पुलिस कर्मियों को खुश किया। आरती की और पोटली में चंदन केसर चावल दुर्वा और सरसों से बनी पारंपरिक वैदिक राखी लहराई, पुलिस को राखी बांधी गई और पुलिस ने ये वादा भी किया कि वे गोंदिया जिले की सभी बहनों की रक्षा करेंगे। राखी ऐसी शुभ पर्वतावर गोंदिया महिला उत्थान संघाच्या महिलांनी 2 दिवसापूर्वी राखीचा कार्यक्रम आमच्या ऑफिसला साजरा केला, मी अतिशय आनंदित आहे। रक्षाबंधनाच्या दिवशी जो मुहूर्त आहे तो सायंकाळचा मुहूर्त असल्यामुळे आणि त्यावेळेस आम्ही उपलब्ध राहणार नाही म्हणून एका सुंदर संकल्पनेतून आमच्या महिलांनी आज इथे येऊन आमच्या ऑफिसमध्ये येऊन आम्हाला राखी बांधलेली आहे। आता साहजिकच आमची जबाबदारी वाढलेली आहे आणि ह्याच महिलाकरता नाही तर गोंदिया जिल्ह्यातील आणि गोंदिया शहरातील संपूर्ण महिलांच्या मी आपल्या माध्यमातून सांगत आहे की पोलीस त्यांचे रक्षण करण्याकरता सक्षम आहेत। मी जरी वाहतूक विभागात असलो, क्राईम विभाग माझ्याकडे नसला, मी पोलीस स्टेशनला नसलो, तरी आज आपण बघत आहात की शहरात सर्वात प्रथम तुम्हाला वाहतूक पोलीस रोडवर दिसतो। एखाद्या महिलाला जर अडचण आली तर ती भाऊ या नात्याने आमच्या वाहतूक पोलिसांनाच कॉन्टॅक्ट करते आणि त्यांचे प्रश्न दूर करण्याचा प्रयत्न करते आपल्या माध्यमातून। आणि आम्ही आमच्या बहिणींनी ज्या पद्धतीने ज्या धार्मिक पद्धतीने आम्हाला रक्षाबंधन केलेलं आहे त्यांना त्या रक्षाबंधनाची भेट म्हणून मी आपणास आश्वासन देतो की गोंदिया शहरातील आणि गोंदिया जिल्ह्यातील महिलांना कुणीही त्रास देणार नाही। असे कुणी समाजकंटक जर महिलांना त्रास देताना दिसतील तर मी माझ्या कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहे की त्यांना ताब्यात घ्या आणि जवळच्या पोलीस स्टेशनला किंवा क्राईम ब्रांचला हँडओव्हर करा। पर भारतीय संस्कृति के अनुसार वैदिक रक्षाबंधन महिला उत्थान मंडल की हम सभी बहनें हैं। वैदिक राखी का महत्व यह है कि जैसे राखी तो सब बांधते हैं पर उसमें कुछ होता नहीं है, हमने एक राखी है उसमें हम पोटली बांधते हैं जिसमें 5 कलर के
चीजें रहती है, जैसे चावल, चावल यानी अक्षत का प्रतीक है, जैसे चावल अक्षय है ऐसे हमारे भाई का जीवन भी अक्षय है। उसके बाद हरी घास दुर्वा, जैसे वो विघ्नों से हमारी रक्षा करती है, गणेश जी को चढ़ाते हैं हम लोग, ऐसे ही हमारे भाइयों की विघ्नों से रक्षा हो। उसके बाद आता है सरसों, सरसों हमारी बुरी नज़र से रक्षा करती है, इसके लिए उस पोटली में हमने वो सरसों के दाने भी डाले हुए हैं। उसके बाद चंदन, चंदन जहाँ भी रहता है महकता है, जीवन अपना महकाता है, ऐसे ही हमारे भाइयों का जीवन भी सदा महकता रहे। उसके बाद आता है केसर, केसर को आप कहीं पर भी डालोगे वो उसे ही जैसे घुल जाएगा, ऐसे हमारा भाई जहाँ भी देश के लिए जाए वो समर्पण भाव से अपने देश की सेवा करे और घुल मिल जाए, यही हमारे वैदिक रक्षाबंधन का अर्थ है। इसके लिए हम संकल्प के साथ पहले उस राखी को रक्षा सूत्र में पोटली बांधते समय हम उसको महामृत्युंजय मंत्र के साथ उसको आह्वान करते हैं कि पूरे विघ्नों से हमारे भाई की संरक्षा हो, कि हमारे देश के पुलिस ऑफिसर अगर ना होते तो हमारा देश का अस्तित्व भी ना होता। उनकी बहनों की पहली सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी का रहना बहुत आवश्यक है। मिशन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। 29 मार्च को अकोला में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार में हारिस खान ने भरत धान्य यानी माइलेट्स विषय पर उत्कृष्ट भाषण एवं चित्रण प्रस्तुत किया। हारिस खान बशा उर रहमान शाला का विद्यार्थी है तथा मान्यवरों द्वारा हारिस खान की प्रशंसा की गई और उसे प्रमाण पत्र दिया गया। हारिस की आयु 14 वर्ष है। हारिस खान ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा माइलेट्स को श्री अन्न सुपर फूड घोषित कर G20 के अतिथियों एवं संसद के मेन्यू में सम्मिलित किया गया तथा वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा माइलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। बीसीएन न्यूज के लिए अकोला से प्रतिनिधि की रिपोर्ट। 27 अगस्त के दोपहर करीब 3 बजे भीमनगर वार्ड में बिजली के पोल पर लगे दो तार अचानक एक दूसरे के संपर्क में आने से जिससे कई लोगों के घरों में हाई वोल्टेज करंट पहुंच गया। इस वक्त अनेक इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हुए हैं। इस घटना में बड़े पैमाने पर परिसर के अनेक नागरिकों के टीवी, सेटअप बॉक्स, फ्रिज और अन्य सामान सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान विफल हो गए। 28 अगस्त को सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध मांडवी ने पीड़ितों के साथ विद्युत वितरण कंपनी और विद्युत निगम के कार्यालय में अधिकारियों को उक्त घटना का ज्ञापन देके पंचनामा करके पीड़ितों को तत्काल मुआवजा दिए जाने की मांग की। इस घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने नुकसान पीड़ितों के न्याय के लिए उचित कार्यवाही का आश्वासन इस वक्त दिया। मिशन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट। गोंदिया देवरी आमगांव मार्ग पर वड़ेगांव शिवरा के पास बिसेन की चावल मिल है। इस चावल मिल से सटा हुआ जंगल क्षेत्र है। इस जंगल में ग्रामीणों को 3 तेंदुए मरे हुए मिले। इस घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। इस बीच प्रारंभिक अनुमान है कि 3 तेंदुओं का शिकार बिजली का करंट लगा कर किया गया है। इस संबंध में जब वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने भी घटना की पुष्टि की। खासकर पिछले कुछ महीनों से यह चर्चा है कि देवरी और सालेकसा इलाके के जंगलों में शिकारियों का गिरोह सक्रिय है। इस बीच वड़ेगांव के जंगल में मृत पाए गए 3 तेंदुओं का शिकार बिजली का करंट लगा कर किया गया और आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे शिकार का ही मकसद था। मिशन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। स्कूल ऑफ स्कॉलर्स हिंगनघाट के सहयोग से SOS क्लब हिंगनघाट में रिमझिम फैंसी ड्रेस का आयोजन किया गया। मानसून अंतरीन मौज मस्ती और उल्लास का समय है और यह SOS के अभिभावकों के लिए एक वरदान साबित हुआ जिन्होंने खुद को मानसून रिमझिम फैंसी ड्रेस में शामिल किया। 26 अगस्त को कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के अभिभावकों के लिए एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता की योजना बनाई गई थी। माता पिता ने मानसून पोशाक पहनाकर कैटवॉक किया और पानी की आवश्यकता और बारिश के महत्व पर जोर दिया है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माया मिहानी एवं बीरा कारिया थी। ऐसे ऊर्जावान माता पिता को अविश्वसनीय विचारों के साथ आते मानसून के मौसम की भावना और जीवंतता का जश्न मनाते हुए देखना हम सभी के लिए एक अद्भुत अनुभव था। स्कूल की प्रिंसिपल शिल्पा चौहान ने विजेताओं को बधाई दी और अभिभावकों के प्रयासों की सराहना की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षकों के प्रयास और कड़ी मेहनत बेहद सराहनीय थी। मिशन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिला के चौरई विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आमापोह की महिलाओं ने अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए आवाज बुलंद करके समिति गठन कर थाना प्रभारी सावित्री बघेल के नाम पर ज्ञापन सौंपा। चौरई ब्लॉक के जुरतरा ग्राम की दर्जन भर से अधिक महिलाएं एवं पुरुष सोमवार चौरई थाने पहुंची। उन्होंने थाना प्रभारी के नाम एक पत्र दिया। थाना प्रभारी सावित्री बघेल से पत्र में नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए समिति गठन करने की बात कही गई।
सौंपे पत्र में बताया गया कि जुड़तरा गांव में अवैध कच्चे ठेकेदार द्वारा शराब का धंधा चरम पर है। साथ ही पीने वाले भी शराब पीकर गांव का माहौल खराब कर रहे हैं, जिसकी रोकथाम करने के लिए महिलाओं ने आगे आकर नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने के लिए कदम उठाए हैं। अमाबोह पंचायत सरपंच प्रमिला संजय बट्टी ने बताया कि समिति गठन कर शराबियों पर अंकुश लगाया जा सकता है, जिससे युवा पीढ़ी एवं गांव के लोग सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। उन्होंने समिति गठन करने की अनुमति का पत्र थाना प्रभारी को सौंप सहयोग की बात कही। मिशन न्यूज के लिए चौरई से राजेश उइके की रिपोर्ट। जी, मैं अमाबोह पंचायत की सरपंच ग्राम जबत्रा से बोल रही हूँ। हमारे ग्राम में दारू पीकर सभी लोग बहुत आतंक करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमने एक समिति बनाई है, महिला संगठन समिति। उस पर आप लोग सभी महिला के द्वारा प्रतिबंध लगाने के लिए, रोकथाम के लिए हम चोरी खाने आए हुए हैं। उसके लिए हमें परमिशन चाहिए। शासन से अनुरोध करते हैं कि वहाँ पर जो शराब हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।